हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ग्वालियर शहर को, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब निकलते हैं ग्वालियर शहर के एक अमेजिंग वर्चुअल टूर पर। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। राज्य की राजधानी भोपाल से 414 किलोमीटर दूर स्थित ग्वालियर भारत का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने शानदार महलों, प्राचीन मंदिरों और पुराने किलों के लिए जाना जाता है। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट और ग्वालियर डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होने के अलावा ग्वालियर में मध्य प्रदेश के चंबल डिवीजन के कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशंस और बोर्डो के स्टेट और नेशनल हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। ग्वालियर 289 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला मध्य भारत का एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, जो पहाड़ियों के बीच घाटी में स्थित है। और 23 लाख के करीब पॉपुलेशन वाले ग्वालियर के मेट्रोपॉलिटन एरिया में ग्वालियर सिटी सेंटर, मोरारा छावनी, लश्कर ग्वालियर, महाराजा बाड़ा, फूलबाग और थाटीपुर शामिल है, जो तीनों मुख्य दिशाओं पर पड़ोसी जिलों के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज से घिरा हुआ है। वैसे ग्वालियर एजुकेशन के एक इम्पोर्टेंट हब के रूप में विकसित हुआ है, क्योंकि यहाँ कई प्रमुख सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। ग्वालियर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में भी चुना गया है। वहीं पुराने समय में ग्वालियर मध्य भारत राज्य की विंटर कैपिटल था, जो बाद में मध्य प्रदेश के बड़े राज्य का हिस्सा बन गया। ग्वालियर को संगीत का शहर भी कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, कला एवं साहित्य में ग्वालियर का प्रमुख स्थान है। तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में ग्वालियर के तानसेन मकबरे पर मनाया जाता है। खाने की बात हो तो प्रसिद्ध ग्वालियर कचौरी से लेकर स्वादिष्ट जलेबी तक इस शहर में व्यंजनों की एक लंबी लिस्ट है। और अगर आप भी इस शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ग्वालियर देश के सभी बड़े शहरों से अच्छी रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।